संसद स्थगित विपक्ष ने गेट पर प्रदर्शन किया। अड़ानी मामले पर जेपीसी की मांग। खड़गे बोले, तानाशाह सरकार को लोकतंत्र में यकीन नहीं। संसद की कार्रवाई गुरुवार को शुरू होने के कुछ ही देर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। इससे पहले मंगलवार को राहुल अड़ानी मामले पर दोनों ही सदनों में हंगामा होने के कारण लगातार 7वीं बार संसद स्थगित की गई थी। संसद स्थगित होने के बाद विपक्षी नेताओं ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन किया। उन्होंने वी वॉन्ट जेपीसी मोदी सरकार, डाउन डाउन मोदी सरकार, शेम शेम जैसे नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में हमें विरोध जताने का अधिकार है, लोगों तक सच पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। यह तानाशाह सरकार ना चर्चा में यकीन करती है और ना लोकतंत्र में। संसद में भाजपा राहुल गांधी से लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं हिंडनबर्ग अडानी मामले पर कांग्रेस की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी की मांग बरकरार है। बता दें कि बजट सत्र का दूसरा फेज 13 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चलना प्रस्तावित है। राज्यसभा स्पीकर ने गुरुवार सुबह जगदीप धनखड़ ने नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यसभा की कार्रवाई को ठीक से कैसे चलाया जा सकता है, इस मुद्दे पर बात हुई। यह पहली बार नहीं है जब सभापति ने नेताओं की बैठक बुलाई हो। इससे पहले मंगलवार को भी धनखड़ ने अपने चैम्बर में सदन के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बीजेपी, YSRCP और TDP को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के नेता शामिल नहीं हुए थे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।